खरगोन जिले के कसरावद में अस्पताल में भले ही मरीजों का उपचार चल रहा है लेकिन खुद का इलाज नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर कचरे के साथ ही खुले में मेडिकल कचरा भी पड़ा रहता है। कचरे की बदबू से मरीजों को भी संक्रामक बीमारियां बने होने का भय बना रहता है। बताया जा रहा है कि 8 से 10 दिनों तक अस्पताल में कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, जिससे पूरे अस्पताल परिसर में दुर्गंध आ रही थी। मरीजों को ठहरना भी मुश्किल हो रहा था। जब इसकी शिकायत मरीजों ने मीडिया कर्मियों को दी तो मीडिया कर्मियों ने नगर परिषद फोन लगाकर ट्रैक्टर ट्राली को बुलवाया और बदबू वाले कचरे को भरवाया। रोगी कल्याण समिति भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है। रोगी कल्याण समिति को भी बदला जाए। रोगी कल्याण समिति की काफी शिकायतें मिल रही है लेकिन इनको कहने वाला कोई नहीं है। अपने मनमाने तरीके से काम किया जा रहा है। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। सर, ये अस्पताल परिसर में बदबू इस कदर से चल रही है कि लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं, डॉक्टर लोग खुद को आ रही है, इसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, दरोगा को फिलहाल हमने फ़ोन लगा के भी ट्राली बुलवाई है लेकिन उनका ये कहना है कि ट्राली लगाते हैं लेकिन ये डालते नहीं है। ये मीडिया की वजह से अभी ट्राली आई है। दरोगा का ये कहना पड़ा कि मेरी गाड़ी पर पेट्रोल का यहाँ लगा हुआ था, कोई नहीं यहाँ कचरा डाला ही नहीं। एक हमारे स्वीपर है वो पोस्टमार्टम करने गया था अभी, इसलिए नहीं डाल पाए। अच्छा, इसमें ठेके के मजदूर है क्या? इसमें वो है कर्मचारी? बताया जा रहा है कि 10 दिन का से कचरा यही पड़ा हुआ है। 10 दिन का तो नहीं पता, मैं ट्रेनिंग पे था, अभी मंडे आया हूं। बाकी सर आपको भी बदबू आ रही होगी यहाँ पे? नहीं, मैं अभी 10 मिनट आपके फोन लगाने से आधे घंटे पहले गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।